CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। मुंबई के सबसे बड़े दही हांडी आयोजकों में से एक मानखुर्द के धर्मवीर सामाजिक प्रतिष्ठान की ओर से आयोजित हांडी में इस साल भी हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद नीलेश राणे ने यहां पहुंचकर गोविंदाओं की हौसला अफजाई की। महाराष्ट्र में आई बाढ़ के मद्देनजर इसमें होने वाले खर्चे में कटौती की गई और ये सारे पैसे बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में सौंपे जाएंगे। ये जानकारी इसके आयोजक और बीजेपी नेता धर्मवीर सिंह ने दी है। दर वर्षी धर्मवीर च्या इकडे आमच्या कुटुंबातला एक सदस्य तरी येतोच। मला मी मागची दोन वर्ष नव्हतो, पण साहेब स्वतः किंवा आमदार नितेश राणे आमच्या कुटुंबातला एक सदस्य धर्मवीरच्या या दहीहंडीला हजेरी लावून जातोच। त्यांचं धर्मवीरचं आणि आमच्या घराचं एक वेगळं नातं आहे। पक्ष कुठलाही असला, आम्ही पक्ष बघून कधी या कार्यक्रमाला येत नाही। हा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आहे, आपली संस्कृती जपली गेली पाहिजे, पुढच्या पिढीला कळली पाहिजे। त्याच्यासाठी धर्मवीर जे कष्ट घेतो, जी मेहनत घेतो, त्या मेहनतीला दाद देण्यासाठी आमच्यासारखी लोक इकडे येतात आणि त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी की दरवर्षी त्याचे कार्यक्रम मी मोठेच होताना बघितले। सुरुवातीपासून ते आत्तापर्यंत त्याच्या प्रवासामध्ये मी जवळून त्याला बघितलेलं आहे। समाजासाठी झटणं, प्रश्न मार्गी लावायसाठी मेहनत करत राहणं, ह्यासाठी धर्मवीरनी अनेक वर्ष सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम केलेलं आहे। त्यांना शुभेच्छा मी देतो, त्यांची वाटचाल अशीच चालत राहू आणि त्यांच्या हातातून समाजासाठी, त्यांच्या विभागासाठी चांगलं काहीतरी घडो, याच्यासाठी मी मनापासून त्यांना शुभेच्छा। स्वतःची काळजी घ्या हेच मी सांगू शकतो। धर्मवीरना मी विचारलं आल्यापासून की सगळे सेफ्टी मेजर्स सगळे आपण घेतो आहे का, तर जवळपास सगळे सेफ्टी मेजर्स आपण इकडे घेतो आहे। गोविंदांना कसलाही त्रास होऊ नये, आलेले पथक हे सुखरूप परत गेले पाहिजे आणि त्यांना आज जे काय ते करतील, परत गेल्यानंतर त्यांचं घरी गेल्यानंतर एक त्यांना समाधान मिळो, एवढा आज मी त्यांना मनापासून त्यांनाही शुभेच्छा देतो आणि त्यांना काळजी घेण्याचं आवाहन करतो। धर्मवीर सामाजिक संस्था मानखुर्द में मानखुर्द दहीहंडी उत्सव का आयोजन 2008 से कर रही है। इस साल हमें लग रहा था कि आयोजन नहीं हो पाएगा। महाराष्ट्र में इतनी विपत्ति आई, पूरग्रस्त बाढ़ आई, लेकिन महाराष्ट्र बहुत जल्दी संभल गया और हम ये कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर मना पा रहे हैं, क्योंकि इतने गोविंदा पथक उसका इंतज़ार कर रहे थे, जिसकी वजह से हमने दहीहंडी कैंसिल करने का हमने प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया और हमने दहीहंडी का आयोजन फाइनल करके हमने दहीहंडी मनाने का उत्सव सोच लिया। देखिए, हमने बाढ़ग्रस्तों की मदद के लिए हमने एक मदद केंद्र बनाया है और हम हमारी तरफ से और हमारे मित्रों की तरफ से जो फंड इकट्ठा होगा वो हम CM रिलीफ फंड में CM साहब को मिलके वहाँ पे जाके माननीय श्री कोटक साहब, जो यहाँ के ईशान्य मुंबई जिला के खासदार हैं, मैं उनके नेतृत्व में अभी काम कर रहा हूँ, उनके आदेश के मुताबिक ही मैं ये हांडी उनको पूछ कर रखा और ये काम मैं मानखुर्द की जनता के लिए करता रहूँगा और मैं ये जो रिलीफ फंड है मैं उनको लेके CM साहब के पास जाके जमा भी कराऊँगा। कि बाढ़ की प्रॉब्लम की वजह से तो प्रॉब्लम हुई थी महाराष्ट्र में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो चीज़ बहुत जल्दी लोग भूल जाएंगे ऐसे मैं उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को अपना काम और बहुत सारी चीज़ें रेगुलरली करनी होती हैं। तो महाराष्ट्र में मुंबई एक ऐसा सिटी है, मेट्रोपॉलिटन जिसमें सभी कास्ट के लोग यहाँ रहते हैं, उसमें से मैं बाहर का हूँ और कुछ समाज के लोग रहते हैं। ठीक है, बाढ़ आई है, हमें भी मालूम है, हम उनके दुख में शामिल हैं और हम उनके लिए मदद जितनी हो सकती है हम मदद भी करेंगे। देखिए, बीजेपी का स्टेज है, हम मानते हैं और मैं बीजेपी से जुड़ा भी हूँ। हमारे माननीय श्री नीलेश जी राणे 2009 की लोकसभा में कोकण से खासदार चुने गए कांग्रेस की सीट पर,
2019 में वो हार गए, हमें अफसोस है। और अभी वो NDA के घटक पक्ष हैं, हम उनके साथ साथ अभी BJP में, मैंने इस टाइम मनोज जी कोटक साहब का नेतृत्व अच्छा लगा मुझे और मैंने भाजपा पार्टी ज्वाइन कर ली। और अभी मैं दोनों ही मेरे मनोज जी कोटक साहब ने मुझे आदेश दिया परसों के दिन कि आप जैसा प्रोग्राम करते हैं आप वैसा ही प्रोग्राम कीजिए, डरिए मत, आप रानी साहब का फ़ोटो जहाँ से लगाते थे वहाँ लगाइए, मैं आपका साथ दूंगा।